Hello, welcome in Ascent Online Classes. Very good morning all of you. Today is our English class for class 3rd. Today is our new topic, chapter 3, The Crane and the Carp. Saras or Kekda. Once a large number of fish lived in a pond. एक बार एक तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां रहती थी। One year, एक साल there was no rainfall. एक बार वहां पर एक वर्ष वहां कोई भी बारिश नहीं हुई थी। It was very hot and dry. वहां वह बहुत ही गर्म और शुष्क था। The pond was drying up. तालाब सूख रहा था। तालाब था वो कहता सूख रहा था क्योंकि वहां पर बारिश नहीं हुई, इस वजह से वो तालाब वहां पर कहता गर्म हो गया। वहां का जो क्लाइमेट था वो वेरी हॉट एंड ड्राई, मतलब बहुत ही गर्म और शुष्क था, और वहाँ पे तालाब सूख रहा था। देयर वाज ए क्लेवर मैन, वहाँ एक चतुर सारस था। इट वेंट टू द फिश एंड सेड, डियर फ्रेंड्स आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। वह मछली के पास गया, सारस मछली के पास गया और कहा प्यारे दोस्तों मुझे आपके लिए बहुत खेद है, मुझे आपके लिए क्या है बहुत खेद है, आई एम सॉरी फॉर यू। देयर इज नॉट मच वाटर इन योर पॉन्ड, आपके तालाब में बहुत पानी नहीं है। उसने कहा प्यारे दोस्तों, क्रेन जो मछली के पास गया, सारस मछली के पास गया और क्या बोला, प्यारे दोस्तों मुझे आपके लिए बहुत खेद है कि आपके तालाब में बहुत पानी नहीं है। सून देयर वॉन्ट टू बी एनी वाटर एट ऑल एंड यू विल डाई, जल्द ही कोई भी पानी नहीं होगा और आप मर जाएंगे। उसने कहा कि यहाँ पे जल्द ही कोई भी पानी नहीं होगा और आप है जो मर जाओगे। आई नो अबाउट अनोदर पॉन्ड विच हैज ए लोट ऑफ वाटर, उसने कहा कि मुझे दूसरे तालाब के बारे में पता है, वहाँ पे बहुत पानी है। उसने कहा कि मेरी नज़र में एक और तालाब है, वहाँ पर बहुत ही पानी है। कम विथ मी एंड आई विल टेक यू टू पॉन्ड, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें तालाब तक ले जाऊंगा। उसने जो क्रेन थी जो सारस थी उसने मछली को कहा कि मेरे साथ आओ मैं तुम्हें तालाब तक ले जाऊंगा, वहाँ पर बहुत ही पानी है। द फिश आस्क्ड, मछली ने पूछा इट इज ट्रू, क्या ये सच है। द क्रेन सेड, सारस ने कहा ऑफ कोर्स इट इज, तो सारस ने क्या कहा मैं आपको तो उसने कहा कि दिखाऊंगा, तो इस क्रेन ने कहा कि निश्चित रूप से वहाँ पर ऑफ कोर्स वहाँ पे पानी है। इट विल टेक वन ऑफ यू टू द अदर पॉन्ड एंड शो इट टू यू, देन यू विल बिलीव मी। अब उस सारस ने क्या कहा कि मैं आपको एक को दूसरे तालाब में ले जाऊंगा, एक से दूसरे तालाब में ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि तब आप मुझ पर विश्वास करोगे, कि आप मेरे साथ चलो दूसरे तालाब में मैं आपको पानी दिखाऊंगा तब आप मेरे पे विश्वास करोगे। द फिश एग्रीड एंड सेंट वन ऑफ देम विद द क्रेन, द फिश एग्रीड, मछली जो क्या है वो सहमत हो गई और उनमें से एक को क्रेन के साथ भेज दिया। एक मछली थी उनको क्रेन के साथ सारस के साथ भेज दिया कि जाके देख के आओ। द क्रेन शोड द पॉन्ड टू द फिश एंड बोट इट्स बैक, क्रेन ने मछली को तालाब दिखाया, जो सारस थी उसने क्या किया मछली को क्या किया तालाब दिखाया और उसे वापस लाया। उसने वहां पे उसको द क्रेन को ले जाया वहां पर और वहां पर उसको क्या किया तालाब दिखाया और फिर उसे वापस लेकर आ गया। द फिश टोल्ड, मछली ने बताया इट्स फ्रेंड ऑल अबाउट द लवली पॉन्ड, उसने बताया मछली ने अपने दोस्तों को प्यारे तालाब के बारे में सब बताया। जो वो क्रेन है ना उन मछली को लेके गया था वहाँ पे, एक मछली को भेजा, फिश ने कहा कि एक मछली ऑफकोर्स एक मछली वहाँ गई और उसने कहा कि प्यारे दोस्तों वहाँ पर एक प्यारा तालाब है जो उसने बताया है। दे ऑल वॉन्टेड टू गो देयर, वे सभी वहाँ जाना चाहते थे। दे ऑल वॉन्टेड टू गो देयर, वे सभी मछली है जो उस दूसरे जो लवली पॉन्ड है उसमें जाना चाहते थे। द क्रेन सेड, द क्रेन ने कहा, द सारस ने कहा आई विल टेक यू ऑल देयर वन बाई वन, दे एग्रीड मैं आप सभी को एक एक करके वहाँ से ले जाऊंगा। उसने कहा कि क्रेन ने कहा कि मैं आप सभी को एक एक करके वहाँ ले जाऊंगा। द क्रेन टुक ए फिश इन हिट्स बैक एंड फ्लू अवे, क्रेन ने अपनी चोंच में एक मछली ली और उड़ गया। क्रेन ने क्या किया अपनी चोंच में क्या ली एक मछली ली और उड़ गया। बट दिस टाइम आई डिड नॉट टेक द फिश टू द पॉन्ड, इट फ्लू टू ए ट्री सेट ऑन ए ब्रांच एंड एट इट अप, लेकिन इस बार
यह मछली को तालाब तक नहीं ले गया। अपनी चोंच में पहले तो क्या किया था उसने, अपनी जो क्रैन ने अपनी चोंच में एक मछली को ली और उड़ गया, लेकिन बट लेकिन इस बार क्या किया, मछली को तालाब तक नहीं ले गया। और वह उसने क्या किया, ये पेड़ के लिए उड़ान भरी और एक शाखा पे जाके बैठ गया और इसे खा लिया। उसने अब की बार क्या किया, एक पेड़ पे जाके उड़ान भरी और एक शाखा पे जाके बैठ गया और उसको क्या किया, मछली को क्या किया, खा लिया। इट देन वेंट टू द पॉन्ड, टुक अनदर फिश एंड एट इट अप। इन दिस वे द क्रैन एट अप ऑल द फिश इन द पॉन्ड। इट थॉट आई एम वेरी क्लेवर। यह फिर तालाब में गया, फिर वापस तालाब में गया और एक मछली ली और उसे खा गया। उसने क्या किया, पहली जो मछली थी उसको तो वहां पर पहुंचा दिया पॉन्ड तालाब के अंदर, दूसरी मछली के लिए क्या कि उसने वहां से उड़ान भरी और एक शाखा पे जाके बैठ गया, पेड़ की शाखा पे जाके बैठ गया और उसे खा गया। और फिर वह तालाब में गया और एक मछली को और ली और उसे खा गया। इस तरह क्रैन ने तालाब की सभी मछलियों को खा गया। इसने सोचा मैं बहुत चालाक हूँ, उस क्रैन ने क्या सोचा कि मैं बहुत ही चालाक